समाप्त हो जाता है। तो हम निष्पाप हो गए, और कुछ लोगों की आदत होती है, आगे बात नहीं मैं कह रहा, प्रेम से बैठे पाप तो दूर किए, पर जब जाने लगे तो किसी के जूते उठा के चले गए, तो जो पाप बचे थे वो और लेके चले गए। तो जाते समय ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना बने। गंगा में नहाने से पवित्र तो हो गए, पर आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अपवित्र जगह में ना जाए। छोटे मोटे पाप रोज के जाप से दूर हो जाते हैं, बड़े पाप हैं तो यज्ञ अनुष्ठान मेरे तीर्थ कथा समिति के द्वारा जैसे कार्य किए जाते हैं, ऐसे आप लोगों के सामने हमेशा होते रहते हैं, उनमें भाग लेने से, पूजन पाठ करने से, भगवान की भक्ति अर्चन करने से दूर हो जाते हैं। और जब ज़्यादा बड़े पाप हो तब फिर तीर्थों में जाकर के बहस करो, वो भी नहीं दूर होते तो फिर यमराज ले जाते हैं। तो जैसे धोबी मार मार करके कपड़े को और शुद्ध करता है, वैसे यमराज के दूत भी उस जीव को मार मार करके अनेक संताप दे करके शुद्ध करके फिर भेज देता है। इस प्रकार से महाराज आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई। क्या कोई ऐसा है कि भगवान का भजन करने वाला भगवान के धाम को जाता हो, बड़ा से बड़ा पापी? तो अजामिल का सुंदर उपदेश दिया कि अजामिल अपने जीवन पर कभी पुण्य नहीं किया था, भगवान का भजन नहीं किया था, लेकिन संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, और अंत समय में उसके मन से, उसके मुख से नारायण निकल शब्द निकला, और उस नारायण के द्वारा वो भगवत धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। इस प्रकार से अगर हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो वो हमारे लिए भगवत धाम का द्वार खोलती है। यहीं से आज अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कल आप लोग वामन अवतार, राम अवतार और कृष्ण जन्म की कथा श्रवण करेंगे। पानी डाला तो मैंने सारा का सारा सोच लिया, तो और पानी डालो, और पानी डालता रहा तो चूना सूखता रहा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे चूना जो है खुलना शुरू हो गया, और जो छेद थे वो वहाँ पे थोड़े थोड़े खुलने लग गए और उसमें से पानी निकलने लग गया। फिर वो बाल्टी खाली खाली उन्होंने करते करते गुरु जी ने 20-25 बाल्टी उसमें पानी डलवा दिया। अब एक समय आया सारा चूना घुल के बह गया और सीधा साफ पानी निकल गया। गुरु जी ने कहा कि जो बाल्टी है ये तुम्हारा मन है, और ये चूना है तुम्हारे मन का मैल है, और ये पानी है ये हमारे सत्संग में दिए हुए प्रवचन है। नित्य प्रति जब प्रवचन सुनते हैं तो मन का मैल धुल जाता है और हमें अपने अवगुण नजर आने लगते हैं, यही सत्संग का मन। तो